कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जिले के पनरिया अनुविभाग राजस्व कार्यालय में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने पनरिया तहसील अंतर्गत आने वाले मैदानी और वनांचल ग्रामा से प्राप्त लंबित प्रकरणों की गहनता से समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों पर कड़ी नाराजगी भी जताई। कलेक्टर शर्मा ने ई नामांतरण की प्रक्रिया 10 दिनों से अधिक होने पर तत्काल निराकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आदेश पारित होने के बाद पटवारियों को 10 दिनों के अधिकतम समय सीमा का निर्धारित करते हुए अभिलेख दुरुस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अभिलेख शुद्धता के लिए 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने डीसीएम के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया है। सीमांकन के लिए 15 दिनों के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिए कहा है। कलेक्टर शर्मा ने ई कोर्ट के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख शुद्धता, भूमि स्वामी का कब्जा के प्रकरण के लिए अधिकतम 3 माह के भीतर सभी प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कहा है। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि अब अनुविभाग स्तर पर जिले के सभी तहसीलों में प्रत्येक माह समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों, किसानों की समस्याओं का निराकरण किए जाएंगे। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को ग्रामवार चारागाह के लिए स्थल चिन्हांकित करने के भी निर्देश दिए हैं।